चाचा चौधरी और जादूगरनी शिवा। ओ। लोगों की नजरों से दूर घने जंगलों में शिवा का किला है। सबसे दूर शिवा सिर्फ अपने संसार में ही रहती है। मेरा दिल बहलाने के लिए मेरे पास हर जाति और देश के लोग इन मर्तबानों में बंद हैं। मेरा यह संग्रहालय दुनिया का सबसे अनूठा है। लेकिन शिवा, तुम्हारा इंसानों का यह संग्रहालय अधूरा है। क्यों यांकी? मेरे पास गोरे, काले, पीले, अंग्रेज, अरब, चीनी, अफ्रीकी सब तरह के आदमी हैं। अब किसकी कमी है? साबू की। शिवा, साबू इंसान जाति का एक अजीब करिश्मा है। जब तक वह संग्रहालय से बाहर है तब तक यह अधूरा है। यांकी, अगर ऐसी बात है तो साबू यहाँ जरूर आएगा। काले तिलिस्म, मुझे साबू की शक्ल दिखाओ। साबू का चेहरा स्क्रीन पर आता है। वाह, सचमुच मेरा संग्रहालय इस हीरे से वंचित है। क्या रिष्ट पुष्ट शरीर है, क्या मांसल बाजू है। गौरंग, मुझे यह साबू नाम का आदमी चाहिए। जो हुकुम शिवा। जब तक तुम इसे यहाँ लाओगे एक वर्तमान तैयार मिलेगा। चाचा चौधरी के घर पर। वाह, लस्सी पीकर लुत्फ आ गया। चाची लस्सी बनाने में खूब माहिर है। लेकिन साबू, अपने को तो अभी तक कॉफी नहीं मिली। चाची, घर में कॉफी पाउडर नहीं है। चीनी खत्म है, गैस खत्म है, कॉफी बनेगी कैसे? भाग्यवान, मैंने कॉफी मांगी थी, मुसीबत नहीं। जब तक ये चीजें नहीं आएंगी घर में कॉफी नहीं बन सकती। चाचा जी, जब तक इतना सामान आएगा आपका कॉफी का मजा ठंडा पड़ जाएगा। क्यों नहीं चलकर किसी होटल में कॉफी पी आते। दोनों घर से चल देते हैं। साबू, तुम ठीक कहते हो, मैं होटल पर ही जाता हूँ। मैं भी आपके साथ हो लेता हूँ, सुस्ती दूर हो जाएगी। कौन से होटल चलें? एस्प्रेसो कॉफी पीनी है तो कॉफी बार, और कोल्ड कॉफी के लिए होटल स्पेस मशहूर है। ये बताओ उधार कौन सा होटल करता है। तभी गौरंग वहाँ आता है। ए लंबू, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तुम्हें ये बता दूं, गौरंग के साथ चलने में जिस किसी ने भी आनाकानी की वो हाथ पैर तुड़वा बैठा। मोटे कद्दू, मुझे आज तक किसी ने हुक्म नहीं दिया। तो तुम अपनी पसलियां तुड़वाओगे। अरे, महात्मा गांधी के देश में हिंसा का क्या काम। गौरंग चाचा चौधरी को एक तरफ धकेल देता है। बुड्ढे, तुम बीच में टांग मत अड़ाओ। ये देख साबू को गुस्सा आ जाता है। बोटे, तेरी ये हिम्मत। जब साबू को गुस्सा आता है तो कहीं ज्वालामुखी फटता है। गौरंग का साबू पर वार। ओह, अगर मैं एकदम ना हटता तो मेरा सिर उस चट्टान की तरह टूट जाता। साबू गौरंग को जकड़ लेता है। यहाँ सभी लोग बसते हैं, ये नहीं कि जिसकी चाहो हड्डियाँ तोड़ते फिरो। तुम यहाँ ज्यादा देर रहे तो लोगों का नुकसान होगा। साबू उसे सर से ऊपर उठा लेता है। रहन, मुझे छोड़ दो। तुम किस तरफ से आए थे? पश्चिम की ओर से। ये तो गया काम से। साबू गौरंग को हवा में उछाल देता है। ठीक है, वही वापस जाओ। हवा में उड़ता गौरंग। ओह, मैं इतनी तेजी से आया नहीं था जितनी तेजी से वापस जा रहा हूँ। जादूगरनी शिवा। यह कौन बदतमीज है? गौरंग खिड़की का शीशा तोड़ते हुए शिवा के सामने जा गिरता है। गौरंग, अंदर आने का क्या ये रास्ता है? शिवा, गौरंग पर नाराज ना हो, इसका कोई कसूर नहीं। इस रास्ते से इस बेचारे को साबू ने भेजा है। उस मामूली आदमी की ये हिम्मत कि मेरे सबसे ज्यादा विश्वसनीय गौरंग को यूं जलील करे। घमंड का सिर हमेशा नीचा होता है शिवा। बेवकूफ पंखड़ू,
शिबा अपने महल से हवा में उड़ान भरती है। मैं अभी उस बदतमीज साबू को पकड़ कर लाती हूँ। आज तक मुझे कभी इतनी परेशानी नहीं हुई जितनी इसने दी है। इधर चाचा चौधरी और साबू। साबू, मैं यहाँ कुछ देर बैठकर कॉफी पीऊंगा। चाचा जी, तब तक मैं उधर खुली हवा में टहलता हूँ। तभी ओह, ये कैसी चमकदार चीज, मेरी आंखें चकाचौंध हो गई। जादूगरनी शिवा, सचमुच ये व्यक्ति पूरी मनुष्य जाति में अपने किस्म का एक ही है। इसके बिना मेरे इंसानों का संग्रहालय अधूरा था। साबू, तुमने मेरे सबसे प्रिय दास गौरंग को कष्ट देकर मुझे नाराज किया, फिर भी मैं तुम्हें माफ कर दूंगी यदि चुपचाप मेरे साथ चलने को तैयार हो जाओ। चाचा चौधरी ने मुझे औरतों पर हाथ उठाने को मना कर रखा है, इसलिए जाओ अपना रास्ता लो। शिबा को गुस्सा आ जाता है। ताड़ के वृक्ष, तुम सीधी भाषा नहीं समझते। शिबा का जादुई इशारा और साबू धुएं में घिर जाता है। ओह, ये क्या, इस मर्तबान में आ जाओ। औरत, तुमने मुझे धोखे से बंद कर लिया। तुम्हारे पास आ जाने से मेरा इंसानों का संग्रहालय पूरा हो जाएगा, जहाँ हर किस्म के हर जाति के लोग होंगे। औरत, तुम्हारा संग्रहालय अब भी अधूरा है। दुनिया ताकत से नहीं अकल से चलती है, और अकल का बादशाह है चाचा चौधरी। मैं उसे भी अपने साथ ले जाऊंगी। मैं अपने संग्रहालय में कोई कमी नहीं रहने देना चाहती। कमाल है। इधर चाचा चौधरी, कॉफी तो पी ली, अब साबू को देखा जाए। हाँ, मेरा दिमाग उसके मस्तिष्क तक पहुँच रहा है। वह सचमुच ऐसी विलक्षण बुद्धि वाला व्यक्ति है जिसका विश्व में कोई सानी नहीं। तुम्हें शिबा के साथ चलना होगा। अगर मैं इनकार कर दूं तो? मैंने हर उस चीज को पाया है जिसे चाहा है। मैं तुम्हें मर्तबान में डाल कर ले जाऊंगी। देखो मेरी ताकत। शिबा का जादुई इशारा और खंबे के दो टुकड़े हो जाते हैं। सचमुच तुम बहुत शक्तिशाली हो शिबा, लेकिन तुम्हारे मर्तबान में पहले से ही साबू है, एक में दो कैसे आएंगे? ओह, मेरे पास दूसरा खाली मर्तबान नहीं है। शिबा, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें खाली मर्तबान दूंगा जिसमें तुम मुझे बंद करके अपने साथ ले जा सको। सचमुच तुम कितने बुद्धिमान हो चाचा चौधरी। चाचा चौधरी का घर, तुम बाहर ठहरो, मैं अंदर से मर्तबान लाता हूँ। चाचा चौधरी ने अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया है। कुछ देर बाद, अरे इसमें तो कुछ है। अचार। अचार मुझे बहुत पसंद है। पता है, खट्टी और चटपटी चीजें औरतें पसंद करती हैं। खाओ, फिर इसी मर्तबान में तुम मुझे बंद करके ले जाना। वाह, बहुत स्वादिष्ट, मुझे और चाहिए। बस, डॉक्टर कहते हैं ज्यादा खट्टी चीजें खाने से गला खराब हो जाता है। तुमने मुझे और अचार ना दिया तो मैं तुम्हें नरक में पहुंचा दूंगी। शिबा, अब तुम एक मक्खी भी नहीं मार सकती। सत्यानाश, मेरा जादू काम क्यों नहीं कर रहा? तुम्हारी सारी ताकत अंगूठी में थी जो तुमने उंगली में पहन रखी थी। अचार निकालते समय तेल की चिकनाई से अंगूठी उंगली से फिसल कर मर्तबान में ही गिर पड़ी। अब तुम सिर्फ एक आम औरत हो। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। साबू, बाहर आ जाओ। साबू मर्तबान तोड़कर बाहर आ जाता है। जादूगरनी शिबा, बोलो अब तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। साबू, इसे बख्श दो, आखिर एक औरत है, इसे वापस इसकी दुनिया में जाने दो।
और शिबा का जादू टूटते ही उधर किले में आजादी 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 आजादी। पता नहीं मर्तबान कैसे टूट गए। शिबा की तरह उसका जादू भी विचित्र है।